आज का प्रातः क्लास है 9/7/1967। आत्माभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो, देह तो नहीं याद आती है, देह के संबंधी, देह के पदार्थ याद आते हैं तो आत्माभिमानी कहेंगे। अपने आप से पूछो, क्योंकि हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाबा युक्ति बताते हैं, हर एक बात अपने आप से पूछो कि हम आत्माभिमानी हो बैठे हैं, ये अभिमान है कि हम आत्मा हैं, रूहानी बाप के बच्चे हैं, रूहानी बाप के बच्चे हैं तो बाप को याद कर रहे हैं, नाम भी तो है ना, और हर एक की नस्ल भी तो समझाई जाती है ना। किस नस्ल के हैं, आत्माभिमानियों की नस्ल के हैं या देहाभिमानियों किस नस्ल के हैं? आत्माभिमानियों की नस्ल में कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? और देह अभिमानियों की नस्ल में कितने हैं? हैं 4.5 लाख अभी नहीं है, 4.5 लाख नहीं है, फिर अभी देह अभिमानी है। कब हो जाएंगे? कब हो जाएंगे आत्माभिमानियों की नस्ल के? बीज है ना, जैसे ये शरीर है तो इसको चलाने वाला बीज आत्मा तो सबसे ऊपर हो गई उत्तम अंग में, राजा ऊंची गद्दी पे बैठता है ना, तो ये नस्ल है जो आत्माभिमानी होकर बैठते हैं वो बाप के बच्चे हैं, तो ये रूहानी सेना है। जिस्मानी सेना नहीं है, उस सेना में जवान होते हैं ना, बुड्ढे और बच्चे तो नहीं होते हैं। जवान क्यों कहा? हम
ज्यादा शक्ति होती है ना, बुड्ढों में तो उतनी ज्यादा शक्ति नहीं होती है। बच्चे भी तो बच्चे हैं, बुद्धि रूपी आत्मा उतनी दमदार नहीं बनी है, तो उस सेना में तो बुड्ढे नहीं होते, बच्चे भी नहीं होते। और इस सेना में बुड्ढे भी हैं तो जवान भी हैं, बच्चियां भी है। अंदर ये जी किसको कहा जाता है, 14 बरस 15 बरस बुड्ढे, 80 बरस के, 90 बरस के, तो देखो अपने आप से पूछो हम किस लिस्ट में हैं? चौदह वर्ष की लिस्ट में है, 15 वर्ष की लिस्ट में है, 80 वर्ष के बुड्ढे हैं या 90 वर्ष के हो गए? अरे बाप के बच्चे हैं या नहीं है? कब से है? अरे कब से हैं? तो कितने साल हो गए? 36 से हैं तो कितने साल हो गए? 82 साल हो गए। तो बुड्ढे हैं या नौजवान हैं? कैसे हैं? 80-82 साल के हैं तो क्या कहें है? बुड्ढे? अरे बुड्ढे तो होते ही नहीं रूहानी सेना में। रूहानी सेना में बुड्ढे होते हैं क्या? नहीं, वो तो जिस्मानी सेना में बुड्ढे होते हैं। यहाँ क्या कहे हैं? देखो पहले तो ये बुड्ढा बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा पुराना कौन है? है सबसे ज्यादा एज किसकी है? मुरली किस समय की है? 67 की मुरली है। उस समय पूछा, बताया, देखो ये पहले तो ये बुड्ढा बैठा हुआ है तो कौन है? है ब्रह्मा बाबा, परम ब्रह्म नहीं? अभी तो बताया परम ब्रह्म, परम ब्रह्म बुड्ढा नहीं है? क्यों? ये ब्रह्मा बाबा बुड्ढा बैठा हुआ है, है? आत्माभिमानी है इसलिए परम ब्रह्म नहीं। अरे परम ब्रह्म तो बुड्ढा होता ही नहीं।
परम ब्रह्म मन जब से बाप आए रूहानी बाप, तो मुकर्रर रथ में आते हैं ना, वो मुकर्रर रथ बुड्ढा होता है क्या? तो ये बुड्ढा बैठा हुआ है, समझा ना? ये भी तो सेना है ना, रूहानी सेना है। ये है रूहानी सेना है? अरे ये रुद्रमाला का मणका है, साढ़े चार लाख में है ब्रह्मा बाबा। हाँ है, ये भी सेना है। कैसे सेना है? है सेना कैसे है रूहानी? है कि जब 80 साल पूरे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बताया 90 साल, तो 90 साल पूरे होने के बाद ये भी रूह बनेगा या नहीं बनेगा? पक्का रूह बनेगा या कच्चा? तो ये भी सेना है। परंतु सेना ऐसी नहीं होती है। कैसी? हा बुड्ढो जैसी या बच्चा बुद्धि जैसी सेना होती है क्या? है ऐसी माने कैसी? कि बच्चा बुद्धि हो है, या बच्चा बुद्धि नहीं तो अशक्त हो जाए? देह अभिमान में आ जाए? तो ये सेना फिर क्या है? कौन सी सेना है? अरे ये ब्रह्मा बाबा जो बुड्ढा बैठा है, ये सेना फिर क्या है? है ये तो बच्चा बुद्धि भी है, और कितनी एज हो गई? अरे 80 साल हो गई ना। उससे ज्यादा तो पुराना यहां बैठा है, कहता है मैं 82 साल का हूं। है तू बुड्ढा है रूहानी सेना, ये 82 साल का रूहानी सेना है। कौन है? है ये बुड्ढा, ये रूहानी सेना। अब वो रूहानी सेना नहीं है जिसको 80 साल हो गए। ১৯৩৬ से लेकर अभी तक तो बताया कि ये माया पर जीत पहनने के लिए है। माना इसने माया पर जीत अभी तक पहनी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि माया पर जीत पहनी है? माया पर जीत पहनने वाला योगी कहा जाएगा या भोगी कहा जाएगा? है योगी कहा जाएगा रूहानी सेना का, वॉरियर कहा जाएगा। तो ये माया पर जीत पहनने के लिए है, अभी पहनी नहीं है। अच्छा
तो क्या कितना टाइम लगेगा इनको? 67 में बोला है 100 साल और लगेंगे अभी इनको है? अच्छा जीत पहनी नहीं है, इसका प्रूफ क्या है? है जो समझते हैं हम रूहानी सेना के वॉरियर हैं, हमने जीत पहन ली और उसे बुड्ढे ने जीत नहीं पहनी, पहनेगी नहीं पहनी? नहीं पहनी, नहीं पहनी, तो प्रूफ क्या इसका? हाँ, बाद में 8 फेल हो गया। जो रूहानी सेना होती है आत्मिक स्टेज वाली, देहभान जिसमें नहीं होता है, वो तो 8 फेल योगियों का हो ही नहीं सकता। तो हरेक को माया पर जीत पहन करके बाप से वर्षा पाने का है, बेहद का वर्षा। क्या बेहद का वर्षा क्यों कहा है? वना इस बुद्धे ने बेहद का वर्षा नहीं पाया क्या है? नहीं पाया। ये ब्राह्मणों की दुनिया सन 47 से बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया है या हद की दुनिया है? क्या कहें है? हद की है ब्राह्मण, वो हद के ब्राह्मण हैं या बेहद के ब्राह्मण? बेहद के ब्राह्मण किने कहा जाए और हद के ब्राह्मण किने कहा जाए? बेहद के ब्राह्मण वो जो बाप को पहचाने है, बाप को पहचाना ही नहीं तो बेहद के ब्राह्मण कहां हुए? इसे हद के ब्राह्मण बाप को नहीं जानते, देखिए ये बुड्ढा भी बाप को नहीं जानता। पूछो क्या है बाप? कहेंगे बिंदी। कैसे पहचानोगे? बिंदी बिंदी तो कीड़े मकोड़े भी होते हैं, कैसे पहचानोगे ये आत्मा बाप की आत्मा है? जब पूरा गहराई से ज्ञान बुद्धि में बैठेगा तब ही तो समझ में आएगा कि किस मुकर्रर रथ में बाप प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए रहे हैं। तो बेहद का वर्षा तो पाने का है और माया है बड़ी दुरुस्त है, चौकन्नी है ना, अलर्ट है ना कि नहीं? माया है अलर्ट, बड़ी दुस्तर है। दुस्तर माने दो, माने कठिनाई, तर माने पार करने योग्य। ये माया, इसको पार करना, क्रॉस कर जाना, इससे आगे चले जाना बहुत मुश्किल है। माना ये बुड्ढा माया को क्रॉस कर पाया या नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। क्या प्रूफ? बोला इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमार का। कुमार का माने बेटी, कुमारी। क्यों है? बेटी की खातरी क्यों होनी चाहिए? परिवार में खातरी किसकी होनी चाहिए?
माता की होनी चाहिए। तो माता ने तो शरीर छोड़ दिया, उमरादे ने शरीर छोड़ दिया था ना, तो उसकी जगह कोई और नहीं है, हो सकती है और भी कोई है या नहीं है जो यज्ञ के आदि में भी माता थी? है, माताएं थी ना जो मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाती थी। तो बाबा की बुद्धि में ये बात नहीं, क्या बाप कोई नहीं पहचाना तो माता को कहां से पहचानेंगे? तो माता को पहचाना नहीं, यज्ञ में थी या नहीं थी? है, चलो दोनों माताएं नहीं हो, कोई एक तो थी ना, जो मुख्य माता है वो तो थी, तो उसको माता बनाना चाहिए, उसकी खातिरी सबसे जास्ती करनी चाहिए, परा प्रकृति उसको तो पहचान ही नहीं है। परे ते परे बाप को ही नहीं पहचाना तो माँ का भी कैसे पहचाने, तो किसकी खातिर करने लगे है? बेटी की खातिर करने लगे। फिर बताया ये माया बेटी है बड़ी दुस्तर, बाप भी समझाते हैं और बच्चे स्वयं भी जानते हैं क्या कि ये माया बेटी जो है बहुत कठिनाई से पार करने क्रॉस करने योग्य है। ये माया बड़ी प्रबल है, प्रबल माने पावरफुल, प्रामाने प्रकष्ट, बल माने बलवान, बड़ी पावरफुल है। तो क्या माताओं से भी ज्यादा पावरफुल है? माताओं से ज्यादा पावरफुल है कैसे? माताएं तो बताई, शरीर है, शरीर है, जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो तो पुरुष का तन था, बाकी जो माताएं यज्ञ के आदि में थी वो तो पुरुष तन नहीं था, और वो माताओं ने फिर दोबारा जन्म लिया। तो ब्रह्मा बाबा को पता नहीं कि वो पुरुषार्थ में बड़ी प्रबल है, तो प्रभावित किससे हो गए? कुमार का बेटी से प्रभावित हो गए। तो बाबा की बुद्धि में ये पक्का बैठ गया, ये बड़ी प्रबल है, है? हाँ, कैसी प्रबल है? बात तो सही बताई कि बड़ी प्रबल है, अब ब्रह्मा बाबा ने थोड़ी ही बताई बड़ी प्रबल है, किसने बताई? शिव बाबा ने बताई कि बड़ी प्रबल है। कैसी प्रबल है? है कि ये इतनी बुद्धि की तीखी है माया बेटी, मोस्टली बुद्धि की तीखी है बड़ी बेटी है ना, है? तो बड़ी बेटी बुद्धि की इतनी तीखी है कि बुद्धि के बल से इसने माता को भी कंट्रोल कर लिया। माता से क्या किया? हाथ मिला लिया, तो और ज्यादा प्रबल हो गई। तो बहुत धोखा देने वाली है, बहुत तूफान देती है, क्या बहुत माया की तूफान लाती है ये माया, हरेक कर्मेंद्रियों को बहुत धोखा देती है।
क्या कर्म इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल मन है कि माया है? है कर्म इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल है कौन? मन। और मन का पार्ट किसका है? मन बड़ा तीखा चलता है, दौड़ने में बहुत तीखा है ना। अभी अभी यहां एक सेकंड में लंदन पहुंच जाएगा, न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा, तो बहुत तीखा है ना। तो वो मन तो मन और इंद्रियां वो तो जड़त्व में ही होती है, ये तो चैतन्य मन है ना। तो ये चैतन्य पाठधारी आत्मा कौन है जो मन का पाठ बजाती है? है ब्रह्मा बाबा। है तो बहुत तीखा लेकिन अपनी ताकत को जानता है? जानता नहीं। क्यों? क्योंकि आधीन है। हाँ, क्योंकि आधीन हो गया, बच्चा बुद्धि है तो जानता नहीं। और आधीन हो गया किसके? माया बेटी को। तो ये माया बेटी बहुत धोखा देती है। किसको? मन रूपी चंद्रमा को भी बहुत धोखा देती है। चंद्रमा बहुत फास्ट भागता है या धीरे भागता है? है? कहते कुछ पता नहीं, बहुत फास्ट भागता है, धरणी से भी ज्यादा फास्ट। धरणी माता कही जाती है, उसे माता से भी ज्यादा फास्ट है। धरणी माता तो 365 दिन में चक्कर काटती है। क्या पूरा साल पूरा होता है तब माया चक्कर काट के ज्ञान सूर्य के नजदीक तक पहुंचती है। तो चंद्रमा तो धरणी के भी चक्कर काटता है और धरणी के साथ साथ सूरज के भी चक्कर काटता है, तो कितना गुना फास्ट हो गया? 365 में 27 का गुणा करो। है इतना फास्ट भागता है। लेकिन वो बच्चा बुद्धि है, अपने स्वरूप को पहचानता ही नहीं। वो ये नहीं जानता कि मेरे अंदर इतनी पावर है। तो माया बेटी के प्रभाव से प्रभावित हुआ पड़ा है। तो माया बेटी सबसे जास्ती धोखा देती है, मन को भी धोखा दे दिया। तो कर्मेंद्रियां क्या चीज है? पता है बच्चे, है कि ये जो माया है इतना क्यों धोखा देती है? धोखा देने वाला पकड़ में आता है? है बहुत ज्यादा धोखेबाज होगा तो पकड़ में ही नहीं आता। अब तुम बताओ, कोई बोल बोल करने वाली बहन से पूछा, मुख बोली हो ना, तो तुम बताओ कौन है मुख बोली? है सबसे ज्यादा धोखा देने वाली कौन? मुख बोली कौन?
अरे बोल बोल करने में फरफट कौन है? वो बोल बोल करने में ज्यादा फरफट, उसे ज्यादा फरफट कोई नहीं प्रकाशवाणी से है। हाँ, जो धरणी है ना जगदम्बा जिसका नाम दिया, बहुत बोल बोल करने वाली, यज्ञ के आदि में भी बहुत बोल बोल करने वाली थी, और कोई में इतनी ताकत नहीं थी कि ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों को भागीदार के सामने रख सके, लेकिन वो बोल बोल करने में होशियार भी, फरफट भी, और उसने फटाफट सारी बातें उनके सामने रख दी कि ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए, ऐसे ऐसा हुआ। तो पूछा दूसरे से, तुम बताओ जी। तो दूसरे ने कहा, सबसे ज्यादा धोखा देने वाली है आंखें, दृष्टि। सबसे ज्यादा धोखा देने वाली है आंखें। तो माना माया ज्यादा धोखा देने वाली नहीं है। माया जब मन को भी धोखा दे रही है, दे देती है, जो मन इतना पावरफुल है, ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों सबसे जास्ती पावरफुल, तो आंखें ज्ञान इंद्रिय नहीं है, है ना? तो आंखें सबसे जास्ती धोखा देने वाली है या माया ज्यादा धोखा देने वाली, कौन साबित हुई है? पूछा, तुम दृष्टि किसको कहती हो? है? वो नहीं बताया तो बाबा ने कहा आंखें 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 कहो। दृष्टि माने आंखें। तो आंखें माने मन, माने संकल्प शक्ति है, मन माने संकल्प शक्ति, और बुद्धि माने निर्णय शक्ति, परख शक्ति, और बुद्धि माने बुद्धि से देखा जाता है कि नहीं, बुद्धि से भी देखा जाता है, तीसरा नेत्र है ना। तो दर्शन शक्ति। तो पूछा, तुम दृष्टि किसको कहती हो? हा? और जिसे दृष्टि कहती हो वो एक है या दो है? हैं? एक है, दो है, कौन कौन है? हा, वो जो जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं आती आत्मा, कौन? शिव। और कुछ करती धरती भी नहीं है, करता भी नहीं है, अकर्ता है, और भोगती भी नहीं कुछ, अभोक्ता है। तो क्या करती है वो? अरे कुछ करती है कि नहीं, ऐसे ही ठल्लू बैठे हुए कुछ नहीं करती है। बात हो रही है आंखों की। हाँ, दर्शन शक्ति बहुत तीखी है। क्या परमधाम में बैठे बैठे भी इस सारी सृष्टि 5000 वर्ष की जितनी भी है उस सब का चक्कर में क्या क्या पार्ट बज रहा है सब देखती रहती है। और देखती है तो ज्ञान भी सबसे जास्ती। क्या? तो वो हो गई एक दर्शन शक्ति। लेकिन आंख कोई एक थोड़ी है, आंख कितनी है? आंखें दो हैं, तो कौन कौन है दूसरे? कौन
जिसे कहा जाता है त्रिनेत्री। क्या कहा जाता? राम नाम लेंगे तो त्रेता में बुद्धि सबकी चली जाएगी। कोई जानते थोड़े ही कि वो त्रेता वाला राम की बात यहां थोड़े ही हो रही है। यहां तो बात हो रही है जिसकी दर्शन शक्ति बहुत तीखी है इस दुनिया में। दुनिया में रहता भी है, ऑलराउंड पार्टधारी भी है, दर्शन शक्ति का भी बहुत तीखा है। तो आंखें हैं, है? तो जो आंखें हैं, दो आंखें हुई, तो दो आंखों में बेहद की दोनों आंखें हो गई नहीं इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली। कौन कौन है? अरे अभी इशारे से ही बता दिया तो फिर लिखने की क्या दरकार। हा ऊपर इशारा, तेरा भला हो, ऊपर इशारा किया माने शिव और नीचे इशारा किया माने मुकर्रर रथ वाली आत्मा। तो ये दो आंखें हो गई दर्शन शक्ति, इनकी शक्ति देखने की बड़ी प्रबल है। फिर इनमें लेफ्ट आंख कौन सी है और राइट ईयर आंख कौन सी है, ये भी तो होता है। एक आंख होती है राइट ईयर और एक आंख होती है लेफ्टिस्ट, है? राइट ईयर कौन? अच्छा ऊपर वाली शिव, शिव है राइट ईयर और जिसमें प्रवेश करती है वो है लेफ्टिस्ट, है? तो क्या ऐसी चीज देखती है, है? जो ऊपर वाला नहीं देखता। जो शिव की आंख नहीं देखती है वो नीचे वाली आंख देखती है, इसलिए लेफ्टिस्ट है। ऊपर वाली आंख राइट देखती है, बना? शिव अच्छाई देखता है हर एक आत्मा का, सतो प्रधान स्टेज देखता है। शिव की आत्मा जब बच्चों से बात करती है तो बच्चों के तामसी रूप को नहीं देखती। क्या? क्यों नहीं देखती? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है ना, पूरा अनलिमिटेड ज्ञान है ना, तो वो जानती है कि ये तो ओरिजिनल मूल रूप में तो राइटियस थी ना, फिर जब इस सृष्टि पर आई तो संग के रंग में आते आते ऐसी हो गई, बुराई आ गई। तो ये सभी आत्माएं बुराई में आई संग के रंग से, तो उनकी गलती है। कोई बच्चा है, है? राजाओं महाराजाओं के घर में जन्म ले, अगर जन्म लेते ही उसको भेड़िए उठा ले जाए और भेड़िए उसको खाना भूल गए, वो पलने लगा, तो गलती किसकी? संग के रंग में आकर के भेड़ियों की तरह वो भेड़ियों की तरह चाल चलने लगा, बोलने लगा, संग के रंग में आ गया ना। तो मूल रूप में तो अच्छा था या बुरा था? मनुष्य ही था ना, मनुष्य की औलाद था। तो ऐसे ही ये जो राइटियस आंख शिव है, सदा शिव सदा राइटियस देखती है, इसलिए राइटियस देखती है तो किसी बच्चे की बुराइयां देखती ही नहीं, तो किसी से घृणा करेगी, है? क्या करेगी? सबसे प्यार ही करेगी या घृणा करेगी? प्यार ही करेगी। तो वो है असल में प्यार का सागर। क्या प्यार का सागर है या नहीं? वो है। और नीचे वाला प्यार का सागर नहीं, जो धरणी के साथ धरणी को गोद में लिए बैठा है
धरणी माता उस सागर की गोद में बैठी है तो वो सागर सागर नहीं है, वो प्यार का सागर नहीं। अरे है या नहीं है वो भी है तेरा। अरे नीचे वाला जो सागर है इस सृष्टि में उसमें तो कचरा भी भरा हुआ है ढेर सारा। क्या उसका कोई अवगाहन करेगा तो कचरा भी मिलेगा तो रतन भी मिलेंगे सागर में। क्या सागर मंथन हुआ ना तो क्या निकला? भयंकर विष निकला। विष माने कचरा, और फिर रतन भी निकले। तो नीचे वाले सागर में तो दोनों चीजें। क्या लेकिन ऊपर वाले में कचरा जैसी कोई चीज नहीं है, विषय विकार की चीज कोई है ही नहीं। तो क्या देखता है? अच्छा ही देखता है, बुरा ही देखता है? अच्छा ही देखता है। तो वो है राइटियस आम, और जिसमें प्रवेश करता है वो उसको क्या दिखाई पड़ता है? है दोनों दिखाई पड़ते हैं। ज्यादा क्या दिखाई पड़ता है? बड़ा काम क्या करता है? है क्यों ऐसे क्यों करता है? सफा चट कर देता है दुनिया को है? ऐसे क्यों करता है? है अरे इतनी बड़ी दुनिया में उसको सच्चा कोई नहीं दिखाई पड़ता है? कोई नहीं है? सबका विनाश कर देता है, अकेले डमरू बजाएगा है? अकेले क्या करेगा है? अकेले नई दुनिया बनेगी क्या है? अकेले नई दुनिया नहीं बनेगी तो फिर क्या करना पड़े? इस मनुष्य सृष्टि में से कोई को चुनना पड़ेगा कि नहीं, किसको? साथी बनाना पड़ेगा कि नहीं? कौन सी माता? माताएं तो ढेर है, कितनी नौ नौ माताओं की पूजा होती है। परा प्रकृति को चुनेगा। अच्छा पहले परा प्रकृति है, पहले पहले किसको चुनेगा? दो मिल गए क्या? ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों के मेल से रौद्र रूप बनेगा या अकेले से बनेगा है? जो यज्ञ स्थापन होता है उसका नाम क्या है? रुद्र यज्ञ। तो रुद्र यज्ञ का कर्ता धर्ता कौन है? तो याजक है जिसे कहा जाता है साकार। साकार पहले बुद्धू था, पत्थर बुद्धि था, वो कैसे ज्ञान यज्ञ रचेगा? हाँ रुद्र बाप, अकेला रुद्र या महारुद्र जैसे कहा जाता है लक्ष्मी महालक्ष्मी, नारायण महानारायण, ब्राह्मण महाब्राह्मण। तो कब कहा जाता है? है महारुद्र कब हुआ? जब
शिव वाली आत्मा जो ज्ञान यज्ञ ज्ञान सुनाने वाली है, मूल रूप में ज्ञान का बीज डालने वाली है, वो इस सृष्टि पर आकर के मुकर्र रथ में प्रवेश करे। है किन से रथ में? जिस रथ का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ? शिव के साथ। कौन सा, क्या नाम जोड़ा जाता है? शंकर। तो शिव और शंकर दोनों मिलके हुए महारुद्र। क्या महारुद्र माने? अच्छाई भी देख ले योगी बने और फिर बुराई भी देखने योग्य बने। तो स्थापना का काम भी करेगा या नहीं करेगा? विनाश का भी काम करेगा या नहीं करेगा? पालना का भी काम करेगा या नहीं करेगा? वो साकार स्वरूप है। अरे ब्रह्मा का काम करेगा तो परम ब्रह्म, और ब्रह्मा सो विष्णु, तो विष्णु का भी काम पालना का करेगा। और तीसरा जो काम कोई नहीं कर सकता संसार में, वो काम भी करेगा। तो कब करेगा? जब देखेगा कि ये सब नकामे हैं, इनको सबको खलास करो। क्या? टोटल विनाश। तो विनाश किसका होगा? शरीर का विनाश होगा या आत्माओं का विनाश होगा? बात है ना आत्माभिमानी होके बैठने की। तो जो आत्माभिमानी बने हुए हैं उनको तो पहले उठाएगा, और आत्माभिमानी बनाना सबको है कि किसी को छोड़ देना है? सबको बनाना। माने जो भी देह अभिमानी है 500-700 करोड़ इस दुनिया के कलयुग के अंत में, उन सबको आत्माभिमानी बनाकर शरीर छोड़वाएगा। तो फिर आत्माओं को कहां ले जाएगा? है आत्माओं को कहां ले जाएगा? आत्माएं कहां जाएंगी? है अरे कहीं जाएंगी या यहीं विनाश की दुनिया में लटकी रहेंगी? परम धाम, मूल वतन कहां? वो कहां है? इसी सृष्टि में है। उसका नाम क्या दिया? कुछ नाम दिया है कि नहीं? पक्का नाम कुछ नहीं दिया है? अरे जिस घर में ले जाएगा घर का नाम होता है कि नहीं? क्या नाम? याद में समझ? अरे किसकी याद में समझ आएंगे? कौन? एक नाम नहीं उसका? ये शिव का तो नाम नहीं होता है, उसकी तो आत्मा का ही नाम होता है, परम ब्रह्म। क्या कहा? परम नाम कहने से समझ में नहीं आएगा, ब्रह्म लोक कहने से समझ में नहीं आएगा, क्या कहने से समझ में आएगा? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो पुरुष तन होने के कारण जो संगठन ब्राह्मणों का बनता है उसमें कन्या माताओं को संभालने के लिए नाम चाहिए ना, और पूरी पालना करनी है कन्या माताओं की, कुमारों की, बुड्ढों की, बच्चों की, तो परम ब्रह्म नाम दिया। लेकिन तन पुरुष का है इसलिए जरूर कोई कन्या को ही निमित्त बनाया जाए तो ठीक है। सवाल यहां पर आंखों का था। ऊपर वाली आंख तो राइटियस हो गई, नीचे वाली आंख सबसे बड़ा काम करती है विनाश का। उसका आधार क्या है?
क्यों विनाश किया? कोई भी पसंद नहीं आया। क्या, कौन पसंद आया फिर? अरे कोई पसंद आया कि नहीं आया? वो जो आत्माओं का बाप है वो ही पसंद आया, बाकी सब बेकार। अरे बेकार है, अकेला रहेगा वो, ऊपर वाला तो चला जाएगा, वो किस लिए आता है? चैतन्य आत्माओं को सुधारने के लिए आता है कि जड़ जीव जंतुओं को सुधारने के लिए आता है? जड़ तो बुद्धि वालों को है, वो तो मनुष्यों को ज्ञान सुना के चला जाता है। ज्ञान इस सृष्टि पर फैल गया फिर उसे रहने की दरकार है, उसका काम पूरा हो गया फिर है। हाँ, वो कोई न कोई को जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको आप समान बना के जाता है, इसलिए वो आप समान बना हुआ व्यक्तित्व तो, जो उसका नाम शंकर है, वो ही नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। आप समान बन गया तो दोनों हो गए ना, शिव भी हो गया और साथ में क्या हो गया, शंकर भी हो गया। शंकर माना मूर्तिमान, मूर्ति वाला, और शिव माना निराकारी स्टेज। तो निराकारी स्टेज जो है वो फिर देखती है कि उस एक के सिवाय इस दुनिया में कोई निराकारी आत्मा नहीं है जिसको इस दुनिया में रखा जाए शरीर के साथ, तो सबको खलास कर दे। क्या, परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति हो चैतन्य में, क्या उनका भी शरीर खलास होगा कि रह जाएगा? है, रह जाएगा नहीं, खलास। तो खलास करना है तो दृष्टि कैसी हुई, वक्र दृष्टि कहे या राइटियस दृष्टि कहे? वक्र दृष्टि। क्यों भाई? पराशक्ति को तो ऐसे नहीं देखना चाहिए। कैसे? टेढ़ी दृष्टि से। क्यों, क्यों नहीं देखना चाहिए? कोई कारण? वो तो आत्मभाव वाली है ना कि देहभाव वाली है? परा प्रकृति आत्मभाव वाली है ना, तो जब आत्मभाव वाली है तो देव भाव में रहती है या नहीं रहती है ब्राह्मण जन्म में? है, नहीं रहती है देव भाव में, नहीं रहती। अरे ज्ञान इंद्रियों से देव भाव में आती है या नहीं आती है? अरे आती है ना, आती है तो क्यों आती है? क्योंकि वो भी किसको अपना बाप मान लेती है? ब्रह्मा बाबा को, परम ब्रह्म को वो भी नहीं पहचाना कि वो माता भी है पिता भी है। परम ब्रह्म वाला जो साकार रूप है उसमें पिता भी है, परम पिता जिसे कहते हैं परम पुरुष, पुरुषों में सबसे अति श्रेष्ठ श्रेष्ठतम शिव, और जिसमें प्रवेश किया वो शरीर भी है, रथ में प्रवेश करता है या आत्मा में? रथ में प्रवेश करता है, तो वो रथ हो गया देवान का पुतला। सुंदरता किसमें ज्यादा होती है, कौन सी सुंदरता खींचती है? निराकार की सुंदरता खींचती है, शरीर की सुंदरता खींचती है। तो वो शरीर बताया कि वो हो गया प्रकृति का मूल रूप। क्या, परा प्रकृति का भी मूल रूप और अपरा प्रकृति का भी मूल रूप। अपरा प्रकृति का मूल रूप तो ठीक है,
वो तो कलयुग के अंत में देह अभिमानी पत्थर बुद्धि बन ही जाता है, लेकिन परा प्रकृति का मूल रूप कैसे? जब पहचान मिलती है कि मैं देह नहीं हूं, क्या हूं? ज्योतिबिंदु आत्मा हूं। तो ज्योतिबिंदु आत्मा की स्मृति में टिकते टिकते और बाप को याद करते करते क्या बनेगा? आत्मा आत्मभाव वाला बनेगा या नहीं बनेगा? तो वो हो गया मूल। मूल रूप में आत्मभाव वाली प्रकृति भी है और परा प्रकृति भी है। तो बताया कि जो आत्मभाव वाली प्रकृति है वो मूल रूप में ऊपर से कनेक्टेड है या नीचे वाले शरीर से कनेक्टेड है, उसे रथ कहें या रथी कहें या सारथी कहें? क्या कहें? जिसका रथ है उसे क्या कहें? उसे तो रथी ही कहेंगे ना। तो रथी वाली जो आत्मा है, जिसे अर्जुन कहो, आदम कहो, शंकर कहो, आदिनाथ कहो, है वो आत्मा दोनों रूप देखती है, राइटियस भी और लेफ्टिस्ट भी। लेकिन राइटियस एक भी आत्मा नहीं समझ में आती है। अरे जो चिर संगिनी है, शास्त्रों में दिखाया ना, शंकर की चिर संगिनी सदाकाल कौन है? पार्वती। शंकर को भी पार लगाने वाली, तो उसको तो साथ लेना चाहिए ना। उसको क्यों नहीं साथ लिया है? उसको आप समान बनाना चाहिए ना, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो आत्मा भी लंबे समय तक ब्राह्मण जन्म लेने के बाद उस स्वरूप को नहीं पहचान पाती जो बाप का मूल रूप है। वो किस पे आधारित रहती है? ब्रह्मा के ऊपर। तो आधीन हो गई या स्वाधीन हुई? है आधीन हुई ना। तो आधीन आधीन को पसंद करेगा और स्वाधीन स्वाधीन को पसंद करेगा। इसलिए दो आंखें हो गई, एक है श्रेष्ठता देखने वाली, सच्चाई देखने वाली, और दूसरी है सच्चाई के साथ साथ दुर्गुण भी देखने वाली। तो आंखें आंखें कहो है, ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। दृष्टि नहीं कहो, क्या दृष्टि नहीं कहो कि धोखा देती है? क्या देती है धोखा? आंखें बहुत धोखा देती है। इनका नाम आंखें है, आईज अंग्रेजी में। अरे ये क्या बात हुई? हीरो पार्टधारी की बेहद की आंखें दो हैं या हीरो बनाने वाले की आंखें दो हैं? है? किसकी दो आंखें हैं? एक प्रकृति प्रकृति अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। माना जो रथ लिया मुकर्रर, उसमें आत्मा भी है और देह भी है, पांच तत्वों का संघात। तो ये दोनों जो हैं
वो उसकी आंखें हो गई, प्रकृति और पराप्रकृति। तो दृष्टि नहीं कहो, क्या कहो, आंखें बड़ी धोखा देती है। अरे धोखा देती है, कोई पहचान नहीं पाता उन्हें, उस आत्मा को, और वो आत्मा जिस शरीर में जन्म जन्मांतर जहां जहां काम करती है उसको कोई पहचान नहीं पाता, तो धोखा देती है कि नहीं है? बहुत धोखा देती है। इनका नाम आंखें है, आईज। क्या क्या नाम दिया अंग्रेजी में, आई इज, आई है। कौन आई है, है? कौन आई है इस सृष्टि में, आई है कौन, आई है पुरानी दुनिया को खलास करके नई दुनिया बनाने वाली, आईज। आईज को दृष्टि नहीं कहा जाता अंग्रेजी में, दृष्टि कहा जाता है, दृष्टि कहा जाता है कि साइट कहा जाता है, साइट कहा जाता है। अच्छा बताओ जी, किसी ने कहा देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस, क्या माने आंखों में भी देह अभिमान होता है या नहीं होता है, आंखों में बॉडी कॉन्शियस होती है या नहीं होती है, होती। इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्रियां हैं, फिर भी देह अभिमान होता ही है, तो उसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। ये बॉडी कॉन्शियसनेस बॉडी में ही कहेंगे कि आत्मा में कहेंगे, आत्मभाव वाली जो है, जो आंख आत्मभाव वाली है और एक आंख है देह भाव वाली, क्या श्रेष्ठ क्या है, आत्मभाव वाली श्रेष्ठ है और देह भाव वाली निष्कृष्ट है। तो जो आत्मभाव वाली है उसको बॉडी कॉन्शियस तो नहीं कहेंगे, फिर किसको कहेंगे, है बॉडी को। तो बॉडी कॉन्शियसनेस लेफ्टिस्ट आंख हुई ना, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितनी भी मुकर्रर रथधारी आत्मा को छोड़ करके आत्माएं हैं उन सब में बहुतायत देहभान की रहती है या आत्मा अभिमान की बहुतायत रहती है, है? देहभान की बहुत। और उनमें मुखिया कौन है, है? मुखिया है ब्रह्मा बाबा, पहले ही जन्म से है कृष्ण के रूप में जन्म लेगा, राधा भी, तो देवान की गिरफ्त में आ जाती है कि नहीं, है आ जाती है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो आंखों में भी है। अच्छा इस सृष्टि में, साकार सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच आत्मा रूपी एक आंख कहे राइटियस 100%,
है तो दूसरे भी यहां साथ में है ना, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेता है या वो कंट्रोल से बाहर रहती है, कंट्रोल कर लेता है माने टोटल आत्माभिमानी बने तब ऐसी स्टेज बने कि कोई भी कर्म करो कर्मेंद्रियों से उसका पाप नहीं लगेगा। इसलिए बोला कि मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। तो ऊपर वाले पे तो कोई पाप नहीं लगता, वो तो पाप पुण्य दोनों से परे हैं। नीचे वाले में जिसमें प्रवेश करता है वो भी पाप पुण्य से परे हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं, कब तक के लिए, जब तक कि सृष्टि न रचे। सृष्टि रचना शुरू किया और बस उसमें भी क्या होता है, संग के रंग से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ओम शांति।